इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दो टाइटल कंटेंडर्स जो कि फिलहाल अभी लड़ाई कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार के आ रही है न्यूजीलैंड से, दूसरा मैच जीता अगेंस्ट श्रीलंका, और इंग्लैंड हार के आ रही है अगेंस्ट आयरलैंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीम्स के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फैंटेसी वाइज बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स दोनों एक साथ खेलते हुए आपको दिखेंगे, इसीलिए हम आ गए वापस। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू वी स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फेयर प्ले क्लब। मैं हूं पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे साथ है हमारे दोनों स्काउट्स। प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम जाफर, मिस्टर आकाश चोपड़ा। सर थैंक यू सो मच फिर से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सर एक दिन पहले के जो मैचेस थे बहुत ही इजी थे, मतलब तीन मैचेस थे जिसमें स्ट्रेट 7-4 कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना था, लेकिन आज का मैच काफी डिफिकल्ट है और उससे ज्यादा डिफिकल्ट है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि बारिश होगी या नहीं। लास्ट मैच वॉश आउट हो चुका है एमसीजी में और ये मैच की फोरकास्ट भी कुछ खास अच्छी है नहीं। तो सर फैंटेसी में मैं आपसे पहले पूछूं कि कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे इस मैच के लिए, आपको टिप देना चाहेंगे कि अवॉइड करना चाहिए या फिर कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंसिडरिंग रेन का वो खतरा रहेगा ही और कभी भी आ सकती है। आकाश सर यार ये घपला है एक्चुअली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मजेदार बात ये रही है पीयूष इस वाले वर्ल्ड कप में कि जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 7-4 कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना, एक्चुअली उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड 7-4 निकल के आए नहीं है क्योंकि सामने वाली टीम ने चाहे वो इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए भी कहा एग्जैक्टली, तो वो पता चला कि अगर आपके पास जोशुआ लिटिल थे तो फिर और बिलबर्नी भी थे तो फिर अरे यार ये तो बड़ा अच्छा पिक हो गया, तो 5 वहां से पिक करके भी आप जीत सकते हैं, जो कि टच वुड जीत गया मैं, पर वो 5 पिक किए थे मैंने, उस समय मुझे लग रहा था कि गड़बड़ हो गई है, पर ठीक रहा, चलो ठीक है नाइस। तो यहाँ पर भी बारिश का लफड़ा रहेगा, ये बात सही है आपकी। ऐसे जो भी मुकाबले होते हैं जिसमें बारिश का खतरा होता है मैं कहता हूँ इन्वेस्ट लेस भैया, पैसे थोड़े से ज्यादा ध्यान से लगाइए क्योंकि उल्टा जब पड़ता है तो फिर आपकी समझ में नहीं आता है। जैसे अब आई मीन अगर वो जो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाला गेम था कि मैच तो लॉक हो जाता है, टॉस हो गया, शुरू होने वाला है, पर वो मैच शुरू नहीं हुआ है। अब शुरू नहीं हुआ है, वो 7 ओवर का मैच रह जाएगा तो आप क्या कर लोगे, तो वो तो चलो कैंसिल हो गया तो सबका भला हो गया, बच गए सारे। पर अगर आपने वहां ज्यादा इन्वेस्ट किया ये सोच के पूरा मैच होगा, छोटा रहता है, तो सिर्फ एक ही एडवाइस है कि इन्वेस्ट थोड़ा सा कम इन मैचेस में। बिल्कुल, तो पहली हमारी एडवाइस आपके लिए यही होगी कि कम इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपको नहीं पता कितने ओवर्स होने वाले हैं और किस फेज में होने वाले हैं। हो सकता है जहां से आप सोचे कि आपका प्लेयर आके खेले वहां पे मैच ही ना हो, तो बैटिंग ही बॉलिंग ही ना कुछ कंट्रीब्यूट ही ना कर पाए। वसीम सर किसके साथ जाना चाहेंगे आप एस कैप्टन वाइस कैप्टन? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑलरेडी एक सीरीज खेले हैं वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, जो कि अनएक्सपेक्टेडली इंग्लैंड ने वो जीती थी और काफी डोमिनेट भी किया था, तो क्या आपकी टीम में इंग्लैंड प्लेयर ज्यादा दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के और कौन होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन? आई थिंक बहुत मुश्किल है पीयूष, अगेन कौन पहले बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है इस पर डिपेंड होगा, बट दोनों ही टीम में एक्चुअली कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप के दावेदार लोग हैं। बहुत बड़ा मैच होने वाला है, यू नो मे बी ये नॉकआउट जैसा गेम है, मे बी शायद जो टीम हार जाएगी प्रॉबली आउट हो सकती है टूर्नामेंट से, तो मैं एक्चुअली जाऊंगा हेजलवुड के साथ में एज अ कैप्टन। अगेन बैंकेबल बॉलर है, यू नो 2 विकेट आप एक्सपेक्ट करते हो कि, अब डिपेंड करता है कि मैच कितना होता है, बट यू नो जहां पर मैच छोटा होता है अगेन थोड़ा बॉलर्स के चांसेस होते हैं विकेट लेने के, तो उस लिहाज से एक्चुअली मैं हेजलवुड के साथ जाऊंगा एज अ कैप्टन। और वाइस कैप्टन मेरे होंगे जॉस बटलर, मैं उनके साथ जाऊंगा क्योंकि इंग्लैंड के नजरिए से, क्योंकि पिछले 1-2 मैच थोड़े से हल्के गए हैं, तो यू वुड एक्सपेक्ट जॉस बटलर कैप्टन भी है टू कम गुड, तो मैं उनको वाइस कैप्टन रखूंगा, तो हेजलवुड और जॉस बटलर। बिल्कुल बहुत ही सेंसिबल और रिलायबल चॉइसेस हैं अगर स्मॉलिंग से अगर आप खेल रहे हैं। जॉस हेजलवुड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी टाइम से हमारे कैप्टन है, एमसीजी में एक ही मैच खेला है, 4 ओवर्स में विकेट्स लिए थे वहां पे, और जॉस बटलर को काफी पसंद है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खेलना, उनके सबसे ज्यादा रन T20 इंटरनेशनल्स में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही है। पहला मैच था वहाँ 68 किए थे, लास्ट मैच में भी रन किए थे, तो रन करके आ रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इवन दो जो लास्ट कुछ 2 मैचेस में रन नहीं आए हैं बट स्टिल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और मैचेस भी देखेंगे अगेंस्ट इस बोलिंग अटैक वो भी काफी अच्छे हैं, तो अभी भी एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस है भले ही रन नहीं आए 2 इनिंग्स में। अगर सर आपके लिए कौन होंगे वो कैप्टन वाइस कैप्टन, और उससे पहले क्योंकि ओवरकास्ट और डैम कंडीशंस फिर से हो सकती है, आपको लगता है कि उन कंडीशंस की वजह से इंग्लैंड थोड़ा गेम में ज्यादा आ जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कंडीशंस काफी हद तक फेमिलियर हो जाती है जब अभी खेलते हैं उस टाइम पे?
दोनों चीजें एक्चुअली सी अगर इंग्लैंड को देखें लगता है कि क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है उनकी, अगर कोई कमजोर खड़ी है तो बॉलिंग है। सडनली अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो सैम करन, क्रिस वोक्स, इवन बेन स्टोक्स एज अ बोलर, इन सबका कद बढ़ जाता है। पर बैटिंग भी तो करनी है। बैटिंग करने गए थे वो अफगानिस्तान के सामने तो 5 आउट हो गए, 100 ही तो रन बनाने थे। ये मैच भी जो आयरलैंड वाला भी एंड में चलो डीएलएस से हारे हैं 5 रन से, पर बैटिंग तो इससे बेहतर करनी चाहिए थी ना। वो शुरू में ही आप फट करके ऐसे आउट हो गए, उसके बाद एक और आउट हो जाता है एंड सडनली यूर चेजिंग योर टेल। तो इंग्लैंड भी कोई बहुत अच्छी स्पॉट में नहीं है इस समय, तो ये एक समस्या रहने वाली है। दोनों टीमों के लिए बराबर समस्याएं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई टीम यहाँ पे मतलब फेवरेट्स के रूप में शुरुआत करने वाली है। दोनों का डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, पर कप्तान वाइज कप्तान इस मैच के लिए डिफिकल्ट है। मैं टोटली अग्री विद वसीम जिन्होंने 2 पिक किए हैं, पर 2 पिक मैं आपको और देता हूँ और आप कहोगे हाँ यार ये भी ठीक है एक्चुअली, क्योंकि मैं कहूंगा कि डेविड वार्नर ही इज ऑल्सो ड्यू टू फायर, उनको भी इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत पसंद है, मेलबर्न का मैदान पसंद है। 2 बार अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, पर क्या 3री बार भी लगातार जल्दी आउट होंगे? आई मीन वार्नर इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और दूसरा मैं आपको नाम देता हूँ इधर सैम करन और मार्क वुड, आई मीन इनमें से जो आपको मन करे चूज कर लीजिए। और ये 4 या 5 में से कोई भी खराब चॉइस नहीं है मेरे विचार में। अब नंबर्स आप बेहतर जानते हैं, पर चॉइसेस के दृष्टिकोण से ये 4-5 choices आर एब्सोल्युटली टेम्पटिंग एंड लेजिट चॉइसेस। बिल्कुल, जब इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स आपके पास में अवेलेबल होते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, और किसी को भी ड्रॉप करना भी रिस्क है, किसी को कैप्टन बनाना भी, किसी को नहीं बनाना भी। तो वार्नर इवन उनका एवरेज बहुत कुछ खास अच्छा नहीं रहा है अभी तक इंग्लैंड के अगेंस्ट, सिर्फ 21 का एवरेज है, 350 है, लेकिन उन 3 में से एक है वो रिसेंटली जो लास्ट सीरीज थी उसमें आई है, काफी काफी ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी उस मैच में जो उन्होंने की थी। 2 मैच से रन नहीं आए हैं लेकिन ड्यू है, बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं, थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन रिस्क है तो इश्क है। और दूसरे चॉइस जैसे आकर्ष ने कहा मार्क वुड और सैम करन, अगेन बहुत अच्छे चॉइसेस रहेंगे। हम सैम करन और मार्क वुड की काफी दो तीन मैचेस से बात करते हुए आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं, और सैम करन जो कि डेथ में आके बॉलिंग कर रहे हैं 2 ओवर्स, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेन बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। अगेंस्ट आयरलैंड भी आउट ऑफ नोवेयर आके 2 विकेट्स ले गए, वो अच्छे खासे पॉइंट्स थे। और मार्क वुड जो कि जब से आए हैं इंजरी के बाद से 2022 की बात करें तो 5 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट रही है 8.6 की, तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। मार्क वुड भी जो पहला मैच खेले थे पर्थ में था वहां भी 3 विकेट्स दिए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के साथ जा सकते हैं। और बहुत सारी चॉइसेस हैं, इनफैक्ट आपके पास भी हो सकती है कि जो बहुत अच्छी चॉइस है वो भी आप कमेंट करके बताइए। वसीम सर कौन होंगे आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे? मेरे होंगे मार्क वुड एक्चुअली, अगेन वही बात है कि किसी को भी बना लो, मार्क वुड आपके कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप ऑप्शन भी बन सकते हैं। तो मार्क वुड मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा मे बी उनको बेटर खेलेगी कंपेयर टू अदर टीम्स, बट अगेन डिपेंड करता है मैच कितना हो रहा है क्या हो रहा है, बट जिस फॉर्म में वो बॉलिंग कर रहे हैं जो स्पीड में डाल रहे हैं यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड, तो मैं एक्चुअली उसके साथ जाऊंगा मार्क वुड के साथ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अच्छे खासे पेस पे डाल रहे हैं, ओवर 150 कंसिस्टेंटली पिक कर रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं, तो बहुत ही सेंसिबल चॉइस है उनके साथ जाना, और कैसी भी कंडीशंस हो जो वो लेंथ हिट करते हैं हर कंडीशंस में आके विकेट्स ले सकते हैं। अगर सर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किसके साथ जाना चाहेंगे? आई एम थिंकिंग ग्लेन मैक्सवेल। और मैक्सवेल क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम में 2 तो खब्बे आपको नजर आएंगे, डेविड मलान आएंगे, नहीं आखिर 2 नहीं 3 आएंगे, डेविड मलान आएंगे, उसके बाद बेन स्टोक्स आएंगे, उसके बाद मोइन अली आएंगे, बाद में सैम करन भी आएंगे। तो हो सकता है बोलिंग ज्यादा करनी पड़े, पिछले मैच में भी 1 विकेट तो ले गए थे, बॉल 1 लगी है यहाँ पे, वैसे अब देखना पड़ेगा फिटनेस का क्या इशू है, पर सी इज दैट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रॉपर ऑप्शन जो है कि अगर चल पड़ा तो वो 10 बॉल में भी 30 बना सकते हैं और किसी भी तरफ मैच को मोड़ सकते हैं, वो और मार्कस स्टॉइनिस दोनों में से कोई भी, क्योंकि वंस अगेन ऑलराउंड आपको वो 2 बेसिस कवर करके देते हैं, और जैसी इंग्लैंड की बैटिंग वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही है, बैटिंग आजकल सबकी आती है, तो फिर मैक्सी की भी आएगी स्टॉइनिस की भी आएगी, तो दोनों बॉलिंग भी करेंगे तो आपको दोनों तरफ अंक दे सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से, मतलब मैक्सवेल हमेशा से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस ही रहते हैं, और लास्ट 2 मैचेस में काफी अच्छे टच में लगे हैं, इवन दो बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है लेकिन जितना खेले हैं बहुत ही अच्छे लगे हैं बैटिंग करते हुए। इनफैक्ट लास्ट मैच पूरा जो उड़ाया था वहां से हसरंगा को अटैक करके वो मैक्सवेल और स्टॉइनिस ही थे, स्टॉइनिस एक बहुत ही अच्छी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक रहेंगे। एमसीजी में बात करें तो काफी मैचेस खेल चुके हैं फॉर मेलबर्न स्टार्स और नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं विद द बैट विद द बॉल दोनों ही, तो मार्कस स्टॉइनिस लास्ट मैच भी बहुत अच्छा खेले थे, तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों वैल्यू है, उनके साथ भी आप जा सकते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इनफैक्ट स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर।
सर बहुत सारे ऑप्शन पिक करने के लिए हैं, बहुत सारे ड्रॉप करने के लिए भी हैं। वसीम सर किसको नहीं रखेंगे आप, कौन से होंगे प्लेट अवॉइड आपके लिए? मैं एक्चुअली पैट कमिंस की तरफ जाऊंगा। थोड़ा सा बिल्कुल ही आउट ऑफ यू नो थोड़ा सा वो लग रहे हैं, वो लय में नजर नहीं आ रहे जो हम उनको टेस्ट मैच और एटमोस्ट वनडे क्रिकेट में देखते हैं। इवन लास्ट मैच में भी काफी रन उन्होंने दे दिए थे, डेथ में दो ओवर सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलिया ने उनको कराई थी। डेथ में तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि ऐसे लगता है कि उनके पास बहुत कम ऑप्शन है। तो फॉर्म करंट फॉर्म के हालांकि बहुत बड़े कद के बॉलर है पैट कमिंस वर्ल्ड क्रिकेट में, बट ये फॉर्मेट और ये मैच को देख के प्रोबेबली पैट कमिंस को आप अवॉइड कर सकते। या मैं हर एपिसोड में बात करता हूँ कि बैट कमिंस को अवॉइड कर देंगे, लेकिन फाइनली जब टीम बनाते हो तो ले लेता हूँ और फिर बाद में रियलाइज होता है नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि विकेट्स बहुत ज्यादा टी20s में नहीं मिले उन्हें। अभी अगर हम ओडीआईज या टेस्ट का प्रीव्यू कर रहे हो तो शायद हमारी टॉप पिक्स में होते, लेकिन अभी फिलहाल प्लेट अवॉइड है। वसीम सर, आकाश सर बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है एरन फिंच ने मेरे ऐसे फैंटेसी प्लेयर्स को। एक मैच में मार्कस टोनी से आए थे 20th ओवर डालने, एक में हेजलवुड ने डाला है, एक में स्टार्क ने, लास्ट मैच में कमिंस आ गए थे। तो कैसे आप पिक करेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, क्या सारे पेस बॉलर्स को लेंगे या फिर अभी भी पैट कमिंस प्लेयर टू अवॉइड होंगे, क्योंकि इस मैच में तो पक्का टेस्ट में नहीं आने वाले? नहीं, मैं तो इस मैच में मिचेल स्टार्क को भी ड्रॉप कर रहा हूँ, पैट कमिंस ड्रॉप, मिचेल स्टार्क ड्रॉप, मोइन अली ड्रॉप, आदिल दाशी ड्रॉप, ये कई सारे ड्रॉप के कैंडिडेट में, क्योंकि 11 चुनना सी जितना मुश्किल है शायद उतना आसान भी है, क्योंकि सडनली यू रियलाइज की बहुत ज्यादा क्वालिटी है। तो एरन फिंच को भी आप नहीं लेंगे, सो देयर प्लेंटी ऑफ पीपल टू अवॉइड ऑल्सो, क्योंकि क्वालिटी जो है वो दूसरी तरफ स्क्यू ज्यादा हो रही है। सो मैं तो नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ कलर है कम्प्लीटली, मिचेल स्टार्क आउट ऑफ कलर लग रहे हैं। पैट कमिंस तो हो सकता है, मतलब अब तो हवा भी चल रही है, शायद उनको ड्रॉप ही कर दो, उनकी जगह कैमरन ग्रीन को खिला लो, वो थोड़ा सा विकल्प अलग दे देंगे, गॉड नोज शायद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ही कर लें ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ना कमिंस ना स्टार्क, अभी तो क्रिस वॉक्स भी मुझे थोड़े से हल्के वाले कैंडिडेट लग रहे हैं, तो मोइन अली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आदिल रशीद विकेट नहीं ले रहे हैं, सो देयर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, इनको आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। एरन फिंच को भी छोड़ दो, उनसे भी नहीं हो रहा कुछ भी। काफी लंबी लिस्ट दे दी आपने प्लेयर टू अवॉइड के अंदर भी, और एरन फिंच पे आने ही वाला था जो कि एज यूजुअल हमारे प्लेयर टू अवॉइड में रहते हैं। लेकिन अगेंस्ट दिस साइड अगर बात करें, सबसे ज्यादा रन उनकी T20 इंटरनेशनल लगी इंग्लैंड है, उनका बेस्ट एवरेज और बेस्ट विकेट सब कुछ इंग्लैंड के अगेंस्ट ही है, लेकिन जो खराब है वो है फॉर्म। लास्ट मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था और लहिरु कुमारा का जो एक ओवर था बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था उन्हें, और देख के लग रहा था कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या अभी भी प्लेयर टू वर्ल्ड होंगे वसीम सर आपके भी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लय में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। वो लकी थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सामने से मैक्सवेल ने वो कैमियो खेल गए और स्टॉइनिस ऑब्वियसली अनबिलीवेबल नॉक खेल गए, वरना बिल्कुल मैच एक तो पहली बात बहुत एंड तक जाता और अगर कुछ ना 19-20 होती तो सारा ब्लेम एरन फिंच पे आता। तो वो लय में नजर नहीं आ रहे और ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरे तो अगर मैं टीम बनाऊं तो डेफिनेटली एरन फिंच नहीं होंगे। बिल्कुल, मेरी टीम में भी शायद जगह ना मिले क्योंकि जगह है ही नहीं, इतने सारे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी। आकाश सर, आपने क्रिस वोक्स की बात की और जो लास्ट मैच जो हुआ था जो T20 सीरीज की हम बात कर रहे हैं, कैनबरा में हुआ था और वो भी इनफेक्टेड मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्रिस वोक्स जब वापस रीस्टार्ट हुआ था ओवरकास्ट कंडीशंस थी और 3 विकेट आके ले गए थे, पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था उन्होंने। तो क्या फिर से अगर ऐसी कंडीशंस होती है सामने एरन फिंच जो कि हमें लगता है कि ऑलरेडी एक वॉकिंग विकेट हो सकते हैं, क्या तब आप क्रिस वोक्स को लेना चाहेंगे स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं? आपके पास वुड है, आपके पास सैम करन है, बेन स्टोक्स नई गेंद से डाल रहे हैं आजकल, तो कितनों को पिक करोगे? एक थोड़ा सा डाइसी चॉइस होने वाले हैं। आपका मन करेगा क्रिस वोक्स की तरफ, लेकिन रीसेंट फॉर्म जो कह रही है वो कह रही है कि मतलब वो आयरलैंड के सामने भी लग रहा था कि मतलब ये विकेट चटकाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पिछले मैच में भी लग रहा था कि वो विकेट चटकाएंगे अफगानिस्तान के सामने, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो हाँ, कैनबरा में जो किया था वो मतलब 3 हफ्ते पहले किया था, ये जो करंट फॉर्म है वो उनके पक्ष में नहीं जा रहा और बैटिंग नहीं आ रही है जितनी नीचे वो बैटिंग कर रहे हैं। ऑलराउंड वैल्यू देते हैं इफ इट वाज अ टेस्ट मैच, लेकिन यहाँ तो बैटिंग का मतलब बैट उनको हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा है हाल फिलहाल। तो फिर क्रिस वोक्स को शायद अल्टीमेटली जब आप सोचेंगे कि मुझे वुड चाहिए, करंट चाहिए, मुझे स्टोक्स चाहिए, मुझे जॉश हेजलवुड भी चाहिए, तो फिर सबको तो नहीं रख पाओगे, तो वोक्स शायद नहीं होंगे टीम। सर एक फाइनल प्लेयर की जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, लियम लिविंगस्टन, जिनकी हमने लास्ट प्रीव्यू में डिटेल में बात की थी कि बॉलिंग कर सकते हैं अगेंस्ट आयरलैंड, पूरे अच्छे चांसेस हैं और वो बॉलिंग भी करके गए, विकेट्स भी लेके गए।
क्या इस मैच में आपको लग रहा है अभी भी उनकी वो बोलिंग वैल्यू और इनफैक्ट वो ऑलराउंड वैल्यू है और अभी भी आप पिक करना चाहेंगे उनको इस मैच में? लियाम लिविंगस्टन आई थिंक अगर वो बोलिंग करते हैं तो मे बी, बट बैटिंग के लिए बहुत नीचे आ रहे हैं नंबर 7 में, तो आई डोंट नो वो वैल्यू शायद जो लियाम लिविंगस्टन की जो आईपीएल में होती है, क्योंकि 4 नंबर पे खेलते हैं, इंग्लैंड में 7 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो कितने ओवर मिलते हैं प्लस क्या स्टेज में आते हैं, तो उस हिसाब से, और अगर बोलिंग नहीं करते आयरलैंड के सामने उनको जीत बोलिंग मिली थी, बट अगेन बहुत इनकंसिस्टेंट है एज अ बोलर भी, बहुत इनकंसिस्टेंट है, तो प्रोबेबली जितने सारे आपके पास जो ऑप्शंस है मे बी शायद लियाम लिविंगस्टन अगेन शायद वो आपकी 11 में नहीं बैठे। अगर सर क्या आप भी जगह नहीं बना पाएंगे उनके लिए? पहले बोलिंग कर रहे हैं तो शायद, क्योंकि चेज मतलब अब जब डिफेंड कर रहे होते हैं टोटल, तो फिर अब लियाम लिविंगस्टन से चांस थोड़े से कम लेते हैं। पहले अगर बोलिंग आती है, मैदान बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा मैदान है, और मोइन अली तो मतलब पिछले मैच में तो बोलिंग ही नहीं की, आदिल राशिद ने कोई विकेट नहीं चटकाया है, तो अगर ऐसा माहौल रहता है तो यू मे टेक अ चांस, पर स्मॉल लीग में जगह उनके लिए भी बनाना मुश्किल होने वाली है। ये ग्रैंड लीग के वो 3 टीमें बनानी है तो बना सकते हो, लेकिन अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहेगी कि भैया आप इनको टीम में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है हम सोच रहे हैं ओवर करेंगे, ना ओवर करें ना बैटिंग आई, फिर क्या करोगे, फिर एक वेस्ट हो जाएगा प्लेयर, तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। या वैसे जगह बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन स्टिल कंडीशंस देखिए कैसी कंडीशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाइए। बैटिंग फर्स्ट करते हुए डेविड मलान एक अच्छी चॉइस है, 350 मार चुके हैं इस साइड बैटिंग फर्स्ट करते हुए आई है, और जो दूसरा मैच था वहां पे उन्होंने आके रन किए थे। पहले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई थी, बहुत नीचे भेजा गया था, क्योंकि अच्छी स्टार्ट मिल गई थी, एलेक्स हेल्स जॉश बटलर दोनों ही एक बहुत लंबा स्कोर कर गए थे, इसलिए डेविड मलान को भेजा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट मैच में आके उन्होंने 80 पर स्कोर किया था, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए उन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, और एंकर करते हैं साइड को, रन कर ही जाते हैं यूजली, तो एक अच्छी और सेफ चॉइस रहेंगे आपके लिए। वसीम सर, बोलिंग सेक्शन में पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको पिक करना हो जो आपके लिए मस्ट पिक होंगे अदर देन जॉश हेजलवुड, वो कौन रहेंगे आपके लिए? मेरे हिसाब से मे बी एडम ज़ैम्पा, अगर वो फिट हैं, अगर खेल रहे हैं तो आई डोंट नो, वो मेरे ख्याल से वो एक हो सकते हैं। उसके अलावा मार्कस स्टॉइनिस आई फील, ये दो तो डेफिनेटली है। ग्लेन मैक्सवेल मे बी, क्योंकि वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, लेफ्ट हैंडर्स इतने हैं, तो शायद ग्लेन मैक्सवेल भी अगेन मुझे लगता है कि फिट होंगे उसके अंदर। बट जैसे आकाश ने कहा है कि स्टार्क और कमिंस, मेरे ख्याल से क्योंकि वो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, कमिंस तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट स्टार्क भी वो जो स्टार्क हम जानते हैं ऑफ ओल्ड, वो मिचेल स्टार्क हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो मे बी शायद वो भी ना हो। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया में ऑलराउंडर्स काफी हैं, मिशेल मार्श भी बोलिंग कर रहे हैं लास्ट मैच के अंदर, और सरप्राइजिंगली मिशेल मार्श का रिकॉर्ड अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है 8 इनिंग्स के लिए, लेकिन अभी तक कोई 50 नहीं है, 45 का ये स्कोर है जो कि इसी साइड के अगेंस्ट आया था, बट क्योंकि बोलिंग कर रहे हैं और हो सकता है वापस बोलिंग करने आ गए, इनफैक्ट लास्ट मैच में एक कैच ड्रॉप भी हुआ था उनकी बॉल पे, तो मिशेल मार्श, मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल सब ऑलराउंड वैल्यू दे रहे हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करिए आप। और एडम ज़ैम्पा की हमने बात नहीं की क्योंकि अभी आइडिया नहीं कि अवेलेबल है भी या नहीं, लेकिन एमसीजी में नंबर्स काफी अच्छे हैं, 41 विकेट ले चुके हैं एमसीजी में, अगेन उनका भी होम वेन्यू है, मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हैं, तो अगर खेलते हैं और कंडीशंस फेवरेबल होती है जैसी हम फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं होती, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल है गिव अवे क्वेश्चन का टाइम, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन होगा वो टॉप स्कोरर इस मैच में? आकाश सर आपके साथ स्टार्ट करते हैं। टॉप स्कोरर इस मैच में लेट्स गो विद मिचेल मार्श ही कर लेते हैं, आज देखी जाएगी, अभी तक नहीं किया कुछ, इस बार कर लेगा 72। अगर मिचेल मार्श 72 करते हैं उनका हाईएस्ट स्कोर होगा ऑस्ट्रेलिया में। वसीम सर आपके लिए कौन होंगे वो? मैं जाऊंगा जॉस बटलर 62। या तो मैं भी जॉश बटलर के साथ चले जाता हूँ 59। तो हम तो टाइम पास कर रहे हैं, गिव अवे क्वेश्चन एक्चुअल में आपके लिए है, तो आपको गेस करना है कि इस मैच में होगा टॉप स्कोरर कौन होगा। अगर आप क्लोजेस्ट फास्टेस्ट होते हैं तो ये जर्सी आपको जल्दी से हम पहुंचा देंगे, वो भी ऑटोग्राफ्ड है, तो कमेंट करिए और कैसा लगा शो वो बताइए। आज के व्यू स्पोर्ट्स का उसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और प्रीव्यू अगेन फिर से नेक्स्ट मैच का जो होगा सेकंड मैच का वो आपको मिलेगा, तो जरूर आके देखिए। थैंक यू सो मच आकाश सर, वसीम सर, समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे बात। थैंक यू।